सभी के समक्ष आज अपने विषय भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखती हूँ, जहाँ पे कोई अन्याय ना हो, लोगों को उनके ज्ञान के अनुसार काम मिले, कोई भेदभाव ना हो। पर हमारा भारत अभी इस नींव से बहुत दूर है। हमारे भारत में तो भ्रष्टाचार आम ही बन गया है। मैं सुबह सुबह ही अखबार पढ़ रही थी तो उसमें सर्वप्रथम पेज पर पहली न्यूज ये थी, कोई यहाँ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो कोई वहाँ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये तो इतना आम हो गया है कि आजकल शायद हमारे जान पहचान के भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे हमें देखकर तो इस बात का संदेह नहीं होता कि तो वे भी इस कुकर्म में शामिल होते हैं। ये हमारे देश को अंदर से खोखला बनाता हुआ जा रहा है, जिसे चांद तो देखते तो बहुत चमकता है किंतु उसके पास जाके देखते हैं तब पता चलता है कि उसके पास उसकी खुद की रोशनी नहीं है। उसी प्रकार भारत भी केवल ऊपर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है, अंदर से इस भ्रष्टाचार की वजह से एकदम खोखला होता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वे इन सब कार्य को बंद करवा सके, किंतु किसी एक के प्रयास करने से ये काम बंद नहीं हो सकता। हम सबको भी इसमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने अभी पिछले महीने ही 5 IAS ऑफिसर्स को उनके पद पे रिजाइन कर दिया। उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप थे, तो उन्होंने हर प्रदेश से 1 महीने के अंदर सूची मांगी है कि किसी भी ऑफिसर के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के अत्यधिक आरोप हैं तो उन्हें हटा दिया जाए उनके पद से। तो मैंने और हमारे